हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आप सभी का मोनिकास कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडिया की फेमस नारियल चटनी, जो साउथ इंडिया की फेमस डिशेस के साथ जैसे इडली, डोसा, सांबर के साथ खाई जाती है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। चलिए अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी नारियल, जिसे मैंने छीलकर काट लिया है, भुने हुए चने, 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक कद्दूकस किया हुआ, सरसों, नमक, कड़ी पत्ता, रिफाइंड ऑयल, इमली। चलिए अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। नारियल की चटनी को पीसने के लिए लेंगे एक जार, नारियल को डालेंगे, भुने हुए चने, नमक मैंने 50 ग्राम लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी सूखी हुई इमली, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसे पीसेंगे। चलिए चटनी को चेक करते हैं। चटनी थोड़ी सूखी है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलिए इसे पीसते हैं। चलिए चटनी को चेक करते हैं। चटनी हमारी अच्छे से पीस चुकी है। चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे, यह 2 चम्मच के करीब है, इसे गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए इसमें डालते हैं सरसों के दाने। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। लीजिए, तड़का हमारा तैयार है। चलिए इसे डालते हैं चटनी में। गैस कर देंगे बंद। लीजिए, नारियल की चटनी हमारी तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। लीजिए, हमारी नारियल की चटनी तैयार है। इसे मैं एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप भी इस रेसिपी का जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू।